ये पता नहीं क्यों आजकल ऐसे अंडरवियर्स, तरह तरह के कट वाले अंडरवियर्स लोग पहनते हैं। आज हम बात करते हैं कि पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आंसर लोगों को चाहिए अंडरगारमेंट्स के बारे में। कि एक तो तरह तरह के प्रोफेशन के लोगों को, तरह तरह की उम्र के लोगों को, हर उम्र के लोगों को कैसे कैसे अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है, मैं बताऊंगा। कि दूसरा कि अगर गलत अंडरगारमेंट्स यूज़ किए हमने, हमने अंडरगारमेंट्स के एटिकेट्स का यूज़ नहीं किया, तब क्या क्या नुकसान होंगे, क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या परेशानियाँ हमें उनका सामना करना पड़ सकता है। फिर अंडरगारमेंट्स के बारे में कई सारे मिथ्स हैं, उन मिथ्स का भी मैं आंसर दूंगा कि रात में अंडरवियर पहने या ना पहने, ऐसा वैसा कई सारे मिथ्स हैं। फिर लेडीज़ के बारे में स्पेशल कंसर्न्स है हेल्थ के, कि अंडरगारमेंट्स से क्या क्या लेडीज़ की डिफरेंट स्टेजेस का क्या क्या रिलेशन है। फिर आज के दौर में सबसे सुरक्षित अंडरगारमेंट्स कौन से हैं, मैं वो भी बताऊंगा। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, MBBS MD जगदम्बा बेबी केयर करनाल से, मैं आपको एक एक इसके साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा। क्योंकि अंडरगारमेंट्स वैसे से तो जब से मानव सभ्यता का इतिहास है उतना ही पुराना, 7000 साल पुराना इतिहास है साइंटिस्ट के नज़रिए से, वैसे पिछले 700 सालों में ये अंडरगारमेंट्स के बारे में डिफरेंट फैशन, ये फैशन इंट्रोड्यूस हो गया है पिछले 700 सालों में। और पिछले 70 सालों में जब से 80 साल पहले जो सिंथेटिक फाइबर्स यूज इंट्रोड्यूस हुए थे वर्ल्ड में, तब से 70 सालों में तो बहुत ज़्यादा अंडरगारमेंट्स के बारे में वैरायटी आ गई है। तो अब इनके पिछले 30 सालों में जो रिसर्च हुई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में और फ्रांस में भी जो रिसर्च हुई, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। पिछले 30 सालों में लगातार रिसर्च चल रही है और रिसर्च चलती रहेगी, तो उसका आम पब्लिक को पता होना चाहिए कि कैसे हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि किस प्रोफेशन के लोग, किस तरह के बॉडी टाइप वाले लोग, किस तरह की पर्सनैलिटी के लोग कैसे अंडरवियर यूज़ करें। अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है, अगर कोई लंबा बोझा लेके लॉन्ग टर्म की ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे स्कूटर चला रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, या फिर कोई लगातार क्लर्किल जॉब है, बैठे रहते हैं, पसीना ज़्यादा आता है, तो उसमें ऐसी कंडीशन में इनसे बड़ी ज़्यादा स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है और बड़ी दिक्कत होती है। या फिर कोई जिम में जा रहा है, जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो चेस्ट के लिए चेस्ट को फुलाना पड़ता है हमें, फिर एब्डोमिन में प्रेशर बढ़ जाता है, पहले चेस्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है फिर एब्डोमिन में, और वो प्रेशर हमारे टेस्टिकल्स में ट्रांसमिट हो जाता है। जो दो टेस्टिकल्स हमारे, जो हमारे पेनिस के साइड में अंडकोश होते हैं, तो इन अंडकोश में बड़े कीमती हार्मोन्स बनते हैं हमारे, और फिर उनसे हमारी जो हमारी फर्टिलिटी है वो डिसाइड होती है, और फर्टिलिटी से ही हमारा इम्यूनिटी का भी रिलेशन है। तो हमारी इम्यूनिटी डाउन ना हो जाए, हमारी फर्टिलिटी डाउन ना हो जाए, उसके लिए भी हमारा इसका इससे रिलेशन है, वो भी अंडरगारमेंट्स से एक रिसर्च में सामने आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अलग अलग बॉडी टाइप के लिए अलग अलग ये कंसर्न्स हैं जिनका भी मैं आंसर दूंगा। दूसरा है कि गलत तरह के अंडरगारमेंट्स पहनने से होने वाले रोग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि जो टाइट फिटिंग के अंडरगारमेंट्स, अगर टाइट फिटिंग के अंडरगारमेंट्स ज़्यादा होंगे, जैसे ये देखिए ये है, तो इसमें जो पीछे एनस का रीजन होता है और आगे हमारे पेनाइल सिक्रीशंस होते हैं, उनका बैक्टीरिया ट्रैवल करते रहते हैं ज़्यादा टाइट फिटिंग से, पसीना स्वेटिंग ज़्यादा हो जाती है और वो बैक्टीरिया ट्रैवल करते हैं। ईस्ट जो होता है, खमीर, वो भी यहाँ पे कॉलोनी बन जाती है, उसकी फंगस की कॉलोनी बन जाती है, उससे फिर लोकल एरिया में एक तो इन्फेक्शन होता है। दूसरा, जो इनकी अंडरगारमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में इसमें तरह तरह के केमिकल्स यूज होते हैं। ये देखिए, जैसे केमिकल यूज़, सपोज नायलॉन का फाइबर है, या फिर रेयन है, या फिर पॉलिस्टर है, पॉलीथीन है, और इनमें एक्रिलिक फाइबर है, इस सब में देखिए इतने सारे केमिकल्स यूज़ भी होते हैं और कुछ एमिट भी करते हैं। नाइट्रिक एसिड है, एथिलीन ग्लाइकोल है, सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर फॉर्मेल्डिहाइड, ये बेरियम सल्फेट, इस तरह के जो केमिकल्स हैं इनसे डिफरेंट डिसीज भी होती हैं। जैसे स्किन का इन्फेक्शन हो गया, स्किन का फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्किन का इरिटेशन हो गया, यहाँ पे कहते हैं जांगे लग गई, साइड पे जांगे लग गई, और वो भी खासकर थिक पर्सनैलिटी के लोग में, थिक फैटी जो ओबीज पीपल हैं उनमें जल्दी से जांगे लगती रहती हैं, क्योंकि वो टाइट फिटिंग अंडरवियर यूज़ किए हैं और ज़्यादा थिक अंडरवियर है। वेंटिलेशन तो रहना ही चाहिए, अगर वेंटिलेशन रहेगा, क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा, तो उससे बड़ा अच्छा यहाँ की हेल्थ रहे। जितनी हेल्थ हमारी ओरल हाइजीन की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतनी ही हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। यह आज का स्पेशल टॉपिक प्राइवेट ऑर्गन्स के बारे में भी है, आपके भी मेरे भी, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स तो हेल्दी रहने चाहिए, उसी से हमारी इम्यूनिटी हेल्दी रहेगी। तो उसके लिए एक तो ये टाइट फिटिंग के ना हो, दूसरा हम देखेंगे कि अंडरगारमेंट्स का हम शेयर ना करें। जो बच्चे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते हैं, पीजीज में रहते हैं, वो कई बार शेयर कर लेते हैं, तो अंडरगारमेंट शेयर ना करें। और उसकी वाशिंग के लिए स्पेशल ध्यान रखें कि वाशिंग जो अंडरगारमेंट्स की हो, वो अलग से एक इनका अंडरगारमेंट्स का अलग से एक छोटा सा टब लेके उसमें इनको डिटर्जेंट में डुबो दें, वो करें। जो बच्चों के किड्स के अंडरगारमेंट्स हैं वो उनके साथ में ना डालें, और उनके जो कपड़े हैं वो अलग रखें, क्योंकि इसमें वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं
अंडरगारमेंट्स में, और फिर पेनाइल सिक्रेशंस होते हैं, स्मैग्मा होता है स्मैग्मा, तो उससे फिर इन्फेक्शन ट्रैवल करने का फैमिली में एक दूसरे को क्रॉस इन्फेक्शन होता है, उससे बचना पड़ेगा हमें। तो और जब अंडरगारमेंट्स वाश करें हम, तो वाशिंग के टाइम में भी डिटर्जेंट ज़्यादा शार्प ना हो, और फिर डिटर्जेंट को उसको वाश खंगाल दें अच्छी तरह से, वाश अच्छी तरह से कर दें, अदरवाइज जो इनमें डिटर्जेंट ट्रैप रह जाएगा तो वो हमें केमिकल इरिटेशन करेगा, यहाँ की जो स्किन है वो यहाँ की भी, और फिर इसमें जो एब्जॉर्ब हो जाएगा डिटर्जेंट वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भी, लोकल जो लोकल तो नुकसान करेगा करेगा, सिस्टमिक इफेक्ट भी आएंगे, जो इनके बनाने में केमिकल्स यूज होते हैं वो भी नुकसान देते हैं, डिटर्जेंट भी नुकसान देते हैं, चाहे आइज में ज़्यादा सिक्रेशन आए, नोज में सिक्रेशन ज़्यादा होते हैं, नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, और फिर तरह तरह का, जैसे फीमेल्स में तो पहले बच्चियों में यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके बाद में किडनी में स्टोन फॉर्मेशन आती है, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन ना हो, और फिर जो मेल्स हैं, मेल्स में पहले प्रोस्टेट में इन्फेक्शन चला आता है यूटीआई से, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है, और बाद में प्रोस्टेट कैंसर भी देखने को आता है, तो इसलिए इनसे हमें बचना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अब बात है कि क्या सच में रात में अंडरगारमेंट्स पहन के नहीं सोना चाहिए, बड़े सारे मिथ्स हैं अंडरगारमेंट्स के बारे में। तो रात में अंडरगारमेंट्स कॉटन के हों, लूज हों, लेकिन एकदम ना पहनने से तो फिर जो बेडशीट भी हम डेली तो वाश नहीं करते, उससे भी फिर बैक्टीरिया वायरस वो ट्रैवल कर जाते हैं, क्योंकि जो वजाइना है, वल्वा है, वल्वा बड़ा ही सेंसिटिव ऑर्गन है, और उसमें बड़ी जल्दी से कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर कर सकता है, और फिर फीमेल्स में यूटीआई के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें यूरेटर का यूरेथ्रा का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखें कि भाई लूज कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहन के रात को सोएं तो ज़्यादा अच्छी बात है एकदम ना पहनने के बजाय। और भी मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, बड़े सारे होते हैं कि अंडरगारमेंट्स कितने दिनों के बाद चेंज कर लेना चाहिए, और कितना फ्रीक्वेंटली कितने हम अंडरगारमेंट्स रखें। ये साइंटिस्ट ने एक रिसर्च किया है कि पिछले 200 सालों में जितने अंडरगारमेंट्स यूज़ किए हैं पूरी मानव जाति ने, इतने आने वाले 10 सालों में यूज़ होने वाले हैं, अब बहुत बहुत जोड़ी अंडरगारमेंट्स लोग रखते हैं, तो मैं चाहता हूं कि 7, 8, 10 जोड़ी बस काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा की अक्सर ज़रूरत नहीं होती, तो इतने ही रखें जितने की, और फिर जब तक हम यूज़ कर सकते हैं, जब तक उनकी हेल्दी कंडीशन है तब तक हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। बाकी अब अगला इंपॉर्टेंट है कि लेडीज़ को किस तरह के अंडरगारमेंट्स का वो करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। लेडीज़ के लिए अगर बात है तो उसमें मैंने देखा है कि कॉस्मेटिकली ज़्यादा लेडीज प्रेफर करती हैं कि हम ऐसा अंडरगारमेंट यूज़ करें, या फिर लुक कैसा किसका अच्छा होगा। मेरे हिसाब से जो बॉडी की कंफर्ट है वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, बॉडी की हेल्थ टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, केवल हम लुक पे ना जाएं, जिसमें वेंटिलेशन अच्छा, जैसे कॉटन की ब्रा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी है और बड़ी हेल्दी फीलिंग होती है। अगर सिंथेटिक ब्रा होगी, ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी होगी उस पर सिंथेटिक थ्रेड के साथ में, या फिर अगर उसमें सिलिकॉन के हम इंसर्ट लगाएंगे, या फिर उसमें पैड लगाएंगे, तो वो कुछ देर के लिए तो चल सकता है कभी कभार, तो लेकिन कोई फंक्शन हो, अदरवाइज रूटीन में जो कैजुअल लाइफ है, कैजुअल लाइफ में तो जितना कंफर्टेबल फील, जितनी कंफर्टेबल होगी, जितना वेंटिलेशन अच्छा होगा हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स का, उतना ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे। इनकी जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप भी चुभने वाली नहीं होनी चाहिए, तो वो भी सही रहे तो अच्छा है। फिर बच्ची से लेके जो छोटी बच्चियाँ हैं, इनमें अंडरगारमेंट्स जितने जितने कंफर्टेबल और इजी टू वेयर होंगे तो उसमें इन्फेक्शन के चांस कम रहेंगे। और जो टीनेजर गर्ल्स हैं वो कई बार शाइनेस की वजह से बता भी नहीं पाती कि उनको यूरिनरी इन्फेक्शन है, और वो उसको सफ़र करती रहती हैं, बियर करती रहती हैं। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है उसमें तो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमें चेंज करनी चाहिए अंडरगारमेंट्स, तो चाहे हम दिन में 2 बार भी चेंज करने पड़े, लेकिन हमें अपना जो प्राइवेट एरिया है वो तो ड्राई रखना पड़ेगा। अगर प्राइवेट एरिया वेट रहता है, अगर चाहे इसमें कोई यूरिन के सिक्रेशंस हो, या पेनाइल सिक्रेशंस हो, या वेजाइनल सिक्रेशंस हो, स्मैग्मा हो, तो उससे तो इन्फेक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा, और ओवरऑल हेल्थ हमारी, फिटनेस का लेवल डाउन होता है, तो इससे भी हमें बचना पड़ेगा। इस तरह से जो प्रेगनेंसी का टाइम है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी जैसे जैसे साइज बढ़ता है, अगर ब्रा का साइज बढ़ रहा है तो हमें अंडरगारमेंट चेंज कर लेनी चाहिए। और बाकी जो लैक्टेशन के टाइम में जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसमें भी अंडरगारमेंट्स को, ब्रा वगैरह को फ्रीक्वेंटली हमें चेंज करना पड़ सकता है। फिर जो मेनोपॉज की एज है, उसमें अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग कई बार हो जाती है, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी हाइजीन का ध्यान रखें। बाकी तो इसमें टॉप प्रायोरिटी हमारी हमेशा हेल्थ ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। अब है कि आजकल के समय में सबसे सुरक्षित अंडरगारमेंट कौन से हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो बेस्ट है, जो इंडियन कन्वेंशनल वो एक ट्रेडिशनल है, उसमें तो कॉटन को ही टॉप प्रायोरिटी दी है। ये मेरा पर्सनल अंडरगारमेंट है, मेरा पर्सनल अंडरवियर है, ये देखिए हमेशा ही अच्छा रहेगा। और इसके नीचे ये मलमल के कपड़े का, जैसे जो बैंडेज होती है पट्टी बांधने की पट्टी, इसमें पतला कपड़ा होता है, उस कपड़े का लंगोट है, अगर ये जेंट्स इसको यूज़ करें तो ये बड़ा अच्छा रहता है, कम्फर्टेबल भी रहता है, और इससे हेल्थ की भी वो उसमें सिक्योरिटी होती है। इसी तरह से बनियान है, मुश्किल से 20 ग्राम की बनियान है कॉटन की, ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगी ये बनियान, कमरी कहते हैं इसे समीज हरियाणा में,
तो हम लोग शुरू से पापा भी यूज़ करते थे, मैं भी यूज़ करता हूँ। ऐसे अगर कॉटन के क्लॉथ होंगे, ये बेस्ट क्वालिटी के अंडर गारमेंट्स हैं, हम केवल ब्रांड पर ना जाएँ, हमें खुद ब्रांड बनना पड़ेगा। हम अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है, अगर हम इससे फिटनेस हमारी ज़्यादा इंश्योर होती है, तो हम ऐसे अगर अंडर गारमेंट्स यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट क्वालिटी के अंडर गारमेंट्स हैं। ये देखें, मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ये भी देखें। मैंने तो बड़ी सारी करनाल प्लस पे तो हम लोग, मैंने आटा चक्की की जो लाइव सेशन किया तो 40-50 लाख लोगों ने उसको देखा और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। मैं चाहता हूँ कि आप भी जो भी अंडर गारमेंट्स से रिलेटेड अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट करें आप, जिससे कि ये वीडियो एक परफेक्ट वीडियो बन जाए और एक ये एक रेफरेंस वीडियो बन जाए पूरे वर्ल्ड के लिए कि ऐसे अंडर गारमेंट्स के बारे में फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, जिससे ये अक्सर लोग समाज में हिचकते हैं इन बातों के बारे में डिस्कस करने के लिए, लोग हिचकते हैं। आप खुल के आप कमेंट्स करें, जिससे कि सब लोगों को इस वीडियो का लाभ मिले। मैं तो मेरा जो खुद का भी जो पेज है यूट्यूब का, जगदम्बा बेबी केयर नाम से, इस पर हेल्थ रिलेटेड खूब सारी वीडियोस मैंने पोस्ट की हैं, डायबिटीज़ के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, बड़ी सारी लाखों लोगों ने देखी है। तो वो भी आप समय से निकाल के वो भी आप विजिट करें और जो आपके कमेंट्स हैं वो भी